हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर थॉट लेके आई हूँ जो विजडम से रिलेटेड है, जो है विजडम इज़ हैविंग थिंग्स राइट इन योर लाइफ एंड नोइंग व्हाई। इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी बारी कहते हैं कि विजडम मीन्स गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड यू नो परस्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड अचीवमेंट। विजडम को हम काफ़ी सारे जगह पे इस्तेमाल करते हैं और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विजडम का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल है। पर दोस्तों, इस थॉट का मतलब क्या है? ये थॉट का यही मतलब है कि आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ आप परस्यू कर रहे हैं, जो भी चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका घर गृहस्थी हो, आप राइट कर रहे हैं या फिर आप डाउटफुल हैं? काफ़ी सारी बारी हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये हम गलत कर रहे हैं, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। उस समय आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके अंदर का इंसान भी हमेशा बोलता है। वो क्या बोलता है, आप उस चीज़ को हमेशा फॉलो करके चले। आप अपने आप से तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में जो भी अचीवमेंट आपका है, या फिर आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उसमें आपका क्या सही योगदान है लाइफ में, आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, वो बस आपको ही समझ होगा। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं, चाहे हम वो बिजनेस करें, चाहे वो स्टार्टअप करें, बहुत बारी हम सबसे पहले फेलियर या फिर हम पास होंगे उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। वो सोचते सोचते हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होके काफ़ी बारी हम फेलियर की तरफ बढ़ते हैं। हम भीड़ की बात सुनते हैं, हम भेड़ चाल में चलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। आपको जब तक लगता है आप सही हैं, आपका इंट्यूशन, आपका अंदर का इंसान सही है, तो आप उस चीज़ को हमेशा परस्यू करें, आगे बढ़ें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे, पर आपके पास एक्सपीरियंस तो आएगा, उससे आपकी लाइफ और आगे बढ़ेगी। दोस्तों, भीड़ में तो सारे लोग चलते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो भीड़ जिधर जा रहा है वो रास्ता सही हो। कई बार आप अकेले भी वर्ल्ड कॉन्क्वेयर कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था, जो तो डाक सुने के वो ना आशे तो अबे एकला चलो रे। थैंक यू।